हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्रिप आज आपके लिए ले लेके आ गए हैं मारुति सुजुकी की नई क्रॉसओवर बोले एसयूवी बोले यू दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे कि इसका जो बेस मॉडल है सिग्मा उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं और क्या क्या आप मिस करेंगे एक्सपेक्टेड प्राइजेस बताएंगे इंजन बताएंगे ट्रांसमिशन बताएंगे और सबसे बड़ी बात क्या क्या फीचर्स आप मिस करने वाले हैं अगर एंड वेरियंट से बात करें तो सबसे पहले आपको देता हूँ सिगमा वेरियंट की डिटेल एक 1.2 लीटर का इंजन जो कि आपको देता है अराउंड नाइन पी की पावर और साथ में 113 वन थ्री का टॉर्क माफी चाहूँगा जो शोर आ रहा है बेस मॉडल आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में देखने को मिलेगा और उसके साथ अगर डिटेलिंग की बात करें तो एक्सपेक्टेड प्राइजेस रहने वाले हैं सेवन लैक् पॉइंट टू लैक तक तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सबसे पहले तो आपको दिखा देता हूँ कौन सी गाड़ी पर आपको मैं ये सभी चीज़ें दिखाने वाला हूँ तो ये जो फ्रॉन्क्स आप सामने देख रहे हैं टॉप एंड वेरिएंट इसी में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी या गायब हो जाएंगी बेस वेरिएंट सिग्मा के अंदर सबसे पहले ये जो आप क्रोम लाइनिंग देख रहे हैं और नेक्स्ट वेव ग्रिल देख रहे हैं ये चीज़ें है, चेंज हो जाएंगी ऐसी नहीं आएंगी थ्री डिग्री कैमरा नहीं आएगा बट सुजुकी का लोगो आपको सेंटर में एज इट इज़ मिलेगा नीचे जो सिल्वर स्क्रिट प्लेट है वो एज इट इज रहेगी एल ई नहीं आएंगे बेस वेरिएंट में और ये जो आपके हेड लैम्प्स हैं वो हो जाएंगे हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्पस दोस्तों फ्रंट में कुछ इतना ही चेंज आएगा अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल में तो साइड में डेफिनेटली अलॉय व्हील्स नहीं आने वाले हैं बट अलॉय व्हील्स की जगह आपको देखने को मिलेंगे स्टील व्हील्स विद व्हील कवर्स क्लैडिंग वगैरह सभी ऐसे ही रहने वाली है बट ओ आर वी एम्स आपके ब्लैक हो जाएंगे और इसका कैमरा और टर्न इंडिकेटर दोनों ही चीज़ें यहाँ से हट जाएंगी डोअल टोन का ऑप्शन भी आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा रूफ रेल्स और ऊपर शार्क फिन फर्नाटेना एज इट इज़ रहने वाला है उसके अलावा बात करते हैं तो दोस्तों जो इसका ग्लास एरिया है वो हीट इंसुलेटिंग ग्लासेस है वो आपको नहीं मिलने वाले हैं और ना ही मिलेगी ये क्रोम गार्निश उसके अलावा बात करते हैं साइड की डिटेल्स में तो ग्लासेस आपको बता दिया कि प्लेन मिलेंगे हीट इंसुलेटिंग नहीं डोर हैंडल्स बॉडी कलर ही रहने चाहिए बट रिक्वेस्ट सेंसर चला जाएगा कीलेस एंट्री आपकी चली जाएगी नीचे सिल्वर गार्निश जो आप देख रहे हैं वो नहीं मिलेगी बट ब्लैक क्लैडिंग एज इट इज रहने वाली है ये काफ़ी अच्छी बात है रेयर पे आ जाए तो ये गार्निशेज और स्पॉयलर टाइप की फिनिश एज इट इज रहेगी आपका डिफॉगर भी रहेगा बट वाइपर बेस वेरियंट में नहीं आएगा सुजुकी का लोगो रहेगा कॉन्टीन्यूस टेल नाम डिजाइन रहेगा बट सेंटर वाली इल्यूमिनेटेड नहीं रहेगी बेस मॉडल में और साथ ही एस एच वी एस या स्मार्ट हाइब्रिड आपको देखने को मिलेगा फ्रॉक्स में उसके अलावा नीचे आ जाते हैं बम्पर की तरफ पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे और स्किट प्लेट भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम डिजाइन में आपको देखने को मिल जाएगी तो सिग्मा भी एक अच्छा खासा वेल लोडेड वेरियंट रहने वाला है इंटीरियर की बात करें तो ये फिनिशेज और टोन्स ऐसे ही रहेंगे बट यहाँ जो लेदर है वो नहीं मिलेगा पियानो ब्लैक टचेस नहीं मिलेंगे और डोर हैंडल्स हो जाएंगे ब्लैक उसके अलावा हार्ड प्लास्टिक ज्यादा मिलेगा सॉफ्ट टच कम ट्विटर्स और स्पीकर सभी चीजें हट जाएंगी क्योंकि म्यूजिक सिस्टम आपको नहीं मिलने वाला फैब्रिक में सीट्स रहेंगी बट ये सेम पैटर्न रहेगा या नहीं रहेगा नो कन्फर्मेशन साथ ही हेडसेप डिस्प्ले नहीं रहेगा उसके अलावा ऑटो ऑफ का रहेगा बट स्टार्ट स्टॉप बटन हट जाएगा अब बैठ जाते हैं अंदर और आपको बताते हैं बाकी चीजें तो स्टेयरिंग ऐसा ही रहेगा फ्लैट बटन और आपको कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे साथ ही पैडल शिफ्टर्स तो खैर ऑटोमेटिक की बात है स्पीडोमीटर के अंदर हल्का फुल्का चेंज आएगा और अप डिस्प्ले आपको बता ही दिया है आपको सनशेड्स के अंदर सिर्फ मिररर देखने को मिल सकता है बट लाइट्स नहीं मिलेंगी आई आर वी एम आपका मैनुअल हो जाएगा केविन लाइट हेलोजन में ही रहने वाले हैं और हो सकता है कि ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर मिले बजाय मिरर या लाइट के टच स्क्रीन सिस्टम गायब हो जाएगा यहाँ से और जितना भी आप पियानो ब्लैक टच देख रहे हैं वो सब नहीं रहने वाला है ऑटो ए सी एज इट इज रहेगा और ये जो फिनिशेज आप देख रहे हैं हो सकता है थोड़ी सी डाउनग्रेड कर दी जाए ग्लव बॉक्स के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा सेम साइज़ मिलेगा और पैसेंजर डोर में भी बस प्रीमियम फिनिशेज कम हो जाएंगी क्योंकि आप एक लोअर वेरियंट देख रहे होंगे उसके अलावा बात करते हैं तो ट्रांसमिशन मैनुअल ओनली मिलेगा साथ ही हैंड ब्रेक के ऊपर क्रोम नहीं मिलेगा और ये जो आर्मरेस्ट आप देख रहे हैं ये भी नहीं मिलेगा ओवरऑल फ्रंट लुक में कुछ यही डिफरेंसेस आएंगे बाकी पियानो ब्लैक टचेस ज़्यादातर बेस मॉडल में नहीं मिलेंगे क्योंकि ये चीजें होती हैं प्रीमियम फील और फीडबैक के लिए ओ आर की अगर बात करी जाए तो ओ आर में ना तो आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट और ना ही फोल्डिंग कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा डोर हैंडल्स यहाँ भी ब्लैक हो जाएंगे पियानो ब्लैक यहाँ से भी चला जाएगा और लेदर यहाँ से भी चला जाएगा स्पीकर्स अगेन नहीं मिलेंगे बेस मॉडल में बट सीट्स कुछ ऐसी ही देखने को मिलेंगी और स्पेस लगभग बराबर रहने वाली है सीट बैक में पॉकेट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी बट ये रेयर एसी वेंट वाला पूरा कंसोल चला जाएगा क्योंकि आमनेस नहीं रहेगा इंटीरियर का आउटलुक डेफिनेटली प्रीमियमनेस कम होगी तो सेम तो नहीं दिखाई देगा और रेयर केबिन लैम्प मिलने के चांसेस बहुत हाई है सीट बैक पॉकेट का मैंने आपको बता ही दिया और एडजस्टेबल हेड्रेस वगैरह भी जहाँ तक है बेस मॉडल से ही मिल जाएंगे बूट की बात करें तो आपको रिक्वेस्ट आंसर बूट में मिल जाएगा बट पार्सल ट्रे नहीं मिलेगी और राइट right साइड में आप देखेंगे तो कुछ नहीं है बट लेफ्ट साइड में बूट लैम्प जो है वो भी स्किप कर दिया जाएगा स्पेयर व्हील आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा और ये जो सिक्सटी फोर्टी स्प्लिट है ये भी आपको बेस वेरियंट से मिल जाएगा विद कवरेज तो ये कुछ चीजें थी आउटलुक में अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि है सेफ्टी तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम हिल होल्ड असिस्ट और साथ ही डुअल फ्रंट एयरबैग्स आपको मिलेंगे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको बता दिया थ्री पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिलेंगी रेयर डिफॉगर मिलेगा और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट मिलेंगे ये कुछ चीज़ें आपको सेफ्टी के अंदर देखने को मिलेंगी और ई और हिल होल्ड असिस्ट वाकई काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ें हैं प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको गेयर शिफ्ट इंडिकेटर भी देखने को मिल जाएगा एम में ये एक काफ़ी अच्छी बात है उसके अलावा गाड़ी की 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 अगर बात करें तो टिपिकल मारुति की हो जाएगी जैसी लोअर वेरिएंट्स में या लोअर सेगमेंट ऑफ कार्स में आती है लॉक अनलॉक के बटन मिलेंगे मतलब सेंट्रल लॉकिंग रहेगी बट आपको चाबी लगा के ही गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि आपका स्टार्ट स्टॉप बटन जा चुका होगा तो ओवरऑल अगर मारुति की इस फ्रोंक्स के बेस वेरियंट का मैं थोड़ा सा आउटलुक दूँ आपको तो दोस्तों कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है और इंजन तो आपको बेसिकली वही मिल रहा है प्लस अगर आप डेली एनसीआर में रहते हैं तो आप जानते हैं कि आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन में कोई कमी नहीं आएगी इसकी किसी भी चीज़ में और बेस टू टॉप बनाना आप जानते हैं करोल बाग में कोई बड़ी बात नहीं है स्पेसिफिकली अगर मारुति की गाड़ियों की बात करें बाकी अब चलते हैं कुछ और डिटेल्स की तरफ और फिर कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों लास्टली डायमेंशन मैंने आपको बता दी कि सेम ही रहने वाली है बूट स्पेस लीटर्स के अंदर अगर आपको बताऊं तो 308 हंड्रेड लीटर्स का रहेगा टर्निंग रेडियस रहेगा इस गाड़ी का फोर पॉइंट नाइन मीटर्स का और फ्रंट में डिस्क ब्रेक रेयर में ड्रम ब्रेक्स आपको देखने को मिलेंगे बेस वेरियंट के टायर साइज पर कोई पर्टिकुलर क्लैरिटी नहीं मिली है बट हाई चांसेस हैं कि आपको सेम वन नाइन्टी फाइव सिक्सटी आर सिक्सटीन के टायर साइज देखने को मिल जाए अक्रॉस द रेंज अब बात कर लेते हैं कुछ कॉम्पिटिटर्स की तो दोस्तों क्रॉस हैच क्रॉस ओवर या एस यू वी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं इस गाड़ी को क्या बोलना है बट मैं आपको इतना बता दूं ये गाड़ी कहीं ना कहीं एक अच्छी सेगमेंटेशन अपनी बना लेगी क्योंकि प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी गाड़ी का और मारुति के पास ऑलरेडी ब्रेजा है जो एक प्रॉपर एस एटलीस्ट दिखाई देती है बाकी उससे तो नीचे ही इसे प्राइस करना पड़ेगा और प्राइस का एस्टिमेट मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है तो आपको कैसा लगा इस बेस वेरिएंट का आउटलुक जरूर बताइएगा कमेंट्स में मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद और आप चाहें तो जिमनी की भी कुछ वीडियोज़ जाके देख सकते हैं मैंने आपको सभी डिटेल्स जिमने के ऊपर भी प्रोवाइड करा दी हैं